साल बहुत कोशिश करो, फिर बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है, और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोवर्ग के 60% है। अब इसमें मीडिया भी काम कर रही है, सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सब लोग मदद कर रहे हैं। रोड सेफ्टी पे हमने, हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, ये काम आखिर समाज में ही लोगों को, कि मैं रेड सिग्नल है तो रुकूंगा, स्कूटर पे जाऊंगा तो हेलमेट पहनूंगा, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा, रॉन्ग वे वन वे है वहां रॉन्ग साइड नहीं जाऊंगा। जब तक लोगों में इस प्रकार का हम लोग सेंस पैदा नहीं करेंगे तब तक होगा। अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश इसमें जो लोगों की भावना है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं जी। इसको काफी लोगों को समझाना पड़ेगा, सिखाना होगा और उसका महत्व उनको बताना होगा। इसमें बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, वो केवल सरकार नहीं कर सकती जी। मीडिया है, बाद में सोशल वर्कर है, यूनिवर्सिटीज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एनजीओज है, सबके सहयोग से ये कोशिश करनी पड़ेगी जी। मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि हम आपके साथ वैसे भी पार्टनर करते हैं, बट इसको और बड़े पैमाने पर करने के लिए हम तैयार हैं। द एंटायर नेटवर्क इज रेडी टू टेक इट टू द ग्राउंड। और रोड सेफ्टी आपके लिए बहुत, आपके कार्यक्रम में आपके दिल के बहुत बच्चन जी ने वो पूरे दिन भर उन्होंने कार्यक्रम किया, सो वील टेक इट फर्दर डाउन। इसमें सबका सहयोग मिलेगा तो हो पाएगा। बिल्कुल सर। अब उस दिन वो 6 लोग मर गए बेचारे, मैंने आंखों से देखा, अगर वो स्कूल वैन वाला अगर रॉन्ग साइड नहीं आता तो उनकी जान नहीं जाती। नहीं जाती। जाने में 2 घंटे, दिल्ली से जयपुर जाने में 2 घंटे, लेकिन दिल्ली में ही ऐसे बहुत सारे रूट हैं जहां पर दिल्ली से दिल्ली जाने में भी 2 घंटे, तो दिल्ली वालों की इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इनका प्रश्न बहुत सही है और गलत व्यक्ति को। दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोड है, DDA के रोड है, दिल्ली राज्य सरकार के रोड है, और फिर राष्ट्रीय महामार्ग के रोड है। अब आपको मजाक बताता हूँ, ये होटल से बाहर निकलने के बाद धौला कुआ लगता है। मुझे दिल्ली ज़्यादा मालूम नहीं, पर मैं जब से BJP का प्रेसिडेंट बना यहाँ अटकता था, तो मैंने एक दिन अपने अधिकारियों को बुलाया कि अरे यार ये सब धौला कुआ में ट्रैफिक जाम होता है, ये इधर ऐसा। सर बोले अपना रोड नहीं है। मैंने कहा, बोले जो ब्रिज से उतरते हैं, ये आगे नहीं ब्रिज हो, वो शुरू होता है उतरते वहाँ NHI खत्म होता है हाँ। और इसलिए यहाँ हम काम नहीं कर सकते। बोला ऐसा है ठीक है, तो फाइल लाओ। मैंने हाईवे को बढ़ाकर यह होटल तक ला दिया और पूरा रोड तुड़वा दिया, और वो करके अभी किया, अभी भी आधा काम, डिफेंस जगह ही नहीं देती थी। 50 मीटिंग हुई, मनोहर परिकर थे, वो आए यहाँ देखे, अभी ये पुलिस स्टेशन तोड़ना है वहाँ। वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बार बार लिखता हूँ, मैं LG को लिखता हूँ, ये कॉर्नर पे है ना, वो पलटते वहां से, वो पुलिस कमिश्नर, मैंने कहा मैं तुमको नया बना देता हूँ। अब वो लेकर उसको तोड़ के वो बना लाया। अब ये प्रॉब्लम जो है कि इसके लिए इनकी समस्या सही है, पर DDA के रोड, अभी ये जो UR2 जी, ये मेरा रोड नहीं था, ये परवेश अपने जो वर्मा है अपने हाँ। वो मेरे पास एक बार, दो बार, तीन बार आए, चौथी बार आया तो मैंने बोला यार ठीक है बना देता हूँ। फिर मैं 8,000 करोड़ का रोड बना रहा, DDA का था। अभी प्रॉब्लम ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं हम लोग जी, धीरे धीरे दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली का रिंग रोड अगर मैंने नहीं बनाया होता तो क्या हालत होती आपकी? जो पेरिफेरल रोड है वो सुप्रीम कोर्ट में केस थी, वो भूरेलाल जी की कमेटी थी जी हाँ, वो हमारी एक एक्टिविस्ट थे, वो महिला उनकी कमेटी में थी, वो बार बार आते थे सुप्रीम कोर्ट माउंट का, दिल्ली वालों ने पैसे 50% दिए नहीं, UP वालों ने दिए नहीं, हरियाणा वालों ने कुछ दिए, कुछ UP वालों ने नहीं बोला हाथ। मैंने कहा ठीक है हम अपने पैसे लगाएंगे, और दिल्ली का पेरिफेरल रोड पूरा बन गया जिसके कारण दिल्ली का कम से कम 60% ट्रक प्रॉफिट बाहर जा रहा है। अगर वो भी नहीं बनता तो क्या हालत होती? तो ये प्रॉब्लम है। मैं जिस रोड के लिए जिम्मेदार हूँ वो है ये, यहाँ से ऊपर गुड़गांव की तरफ जाता है, अब उसमें प्रॉब्लम है, 2.25 लाख PCUs का ट्रैफिक है। अब वो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, वसंत विहार के नीचे टनल बना रहा हूँ, फिर वो उधर से शायद अभी एक मेरे मन में ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि ये डबल डेकर
पुलिस ब्रिज बनाना गया, नीचे में रोड मेट्रो। अभी हम लोग अभी चेन्नई में और पुणे में बना रहे हैं, नागपुर में हमने बनाया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। रोड मंत्री, सड़क मंत्री हो तो ऐसे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री नितिन गडकरी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।